टुपाक साकुर, जिनकी मौत को लगभग 25 साल हो चुके हैं, पर आज भी जितनी हाइप उनकी हिप हॉप में है उतनी बहुत सारे अलाइव रैपर्स की नहीं है। उनकी मौत 1996 में ही हो गई थी, पर आज भी उनके गाने चलते हैं और उनकी मेमोरीज उनके फैंस के दिलो दिमाग से फेड आउट नहीं हुई है। उनकी मौत के इतने सालों बाद भी ऐसा लगना कि वो आज भी जिंदा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न उनके डेथ से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिनके अकॉर्डिंग लोग ये मानते हैं कि टुपाक मरे नहीं हैं, वो आज भी जिंदा हैं और उन्होंने अपने मौत का एक झूठा नाटक किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या टुपाक ने सच में अपनी मौत का फेक नाटक किया था। जितने भी एविडेंस वगैरह हैं हम उनकी एनालिसिस करेंगे। और हाँ, हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो से हम म्यूजिक आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर या जो भी लोग म्यूजिक से रिलेटेड हैं उन्हें अपने वीडियोस में फ्री में शाउट आउट देंगे, तो उसकी भी डिटेल वीडियो के एंड में होगी कि आप उसमें कैसे पार्ट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि टुपाक साकुर का सितंबर 1996 में लॉस एंजेलिस के रोड पे, जब वो अपने कार में सुग नाइट के साथ क्लब 662 जा रहे थे, तो उनके ऊपर फायरिंग होती है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे 7 दिन बाद यानी कि 13 सितंबर 1996 को टुपाक की मौत हो जाती है। बट थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि उस रात टुपाक ने ये सब करवाया था और वो हॉस्पिटल से हेलीकॉप्टर के थ्रू न्यू मेक्सिको चले जाते हैं और हॉस्पिटल में उनका एक बॉडी डबल रख दिया जाता है और सारी दुनिया को लगता है कि टुपाक मर गए हैं, पर वो सक्सेसफुली लॉस एंजेलिस से सबको चकमा देके अपने मौत का झूठा नाटक रच के बाहर निकल जाते हैं हमेशा के लिए। वो नोवाहा ट्राइब के पास जाते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस एरिया में US अथॉरिटीज़ या FBI की पहुंच नहीं थी, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया था और वहां पे उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। अब इस थ्योरी को कि टुपाक फेक्ड हिज ओन डेथ, इसको जस्टिफाई करने के लिए इंटरनेट पे आपको बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे फुटेजेस मिल जाएंगे, जहां पे ये क्लेम किया जाता है कि टुपाक को उनकी मौत के बाद भी बहुत बार देखा गया है। एक ब्रिटिश बॉडीगार्ड ने ये कहा था कि उस रात टुपाक को लॉस एंजेलिस से बाहर उसने ही निकाला था। इसके अलावा टुपाक हमेशा एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते थे, जो कि वो उस रात बिना किसी रीजन के निकाल दिया था जब वो सुग नाइट के साथ अपने कार में निकले थे। तो इससे भी ऐसा लगता है कि मे बी उन्होंने अपनी मौत की प्लानिंग पहले से ही कर रखी हो। इसके अलावा सुग नाइट, जो कि टुपाक के वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन थे, जिनका कि डेथ रो रिकॉर्ड्स था जिसके अंदर टुपाक साकुर साइंड थे, उन्होंने खुद अपने मुंह से एक बार कहा था कि लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आखिरकार टुपाक को किसने मारा, पर मैं इसका क्या ही जवाब दूं, क्योंकि टुपाक तो कभी मरा ही नहीं। सुग नाइट के बेटे ने भी कुछ सालों पहले अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स डाले थे कि टुपाक आज भी जिंदा है और वो मलेशिया में है और इन सबके पीछे एलुमिनाटी का हाथ है। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि टुपाक अपने डेथ का नाटक करने के बाद क्यूबा चले गए थे, और ये बात बहुत ज़्यादा वायरल तब हुई थी जब सुग नाइट एंड टुपाक का ये फुटेज इंटरनेट पे वायरल हुआ था, जिसमें कि टुपाक की बैक साइड दिख रही है और वो सुग नाइट के साथ बातें कर रहे हैं। बट अगेन इसमें एक और बात है कि इसमें टुपाक का बस बैक साइड दिख रहा है और उनके टैटूज भी नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद एक और ये क्लिप है 2014 की US के एक बास्केटबॉल गेम की, जिसमें कि टुपाक जैसा ही कोई दिखने वाला बंदा है जो कैमरा को देख के हाई भी कर रहा है और ये माना जाता है कि ये टुपाक ही थे। इसके अलावा टुपाक का बियॉन्सी एंड 50 सेंट के साथ भी उनके मौत के बाद कुछ फुटेजेस आए थे, बट वो तो फोटोशॉप भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत बार बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी टुपाक का बहुत सारा ऐसा पोस्ट्स डाला है जिसको देख के ये लगता है कि शायद टुपाक आज भी जिंदा है, जैसे कि किम करदासियन ने ये पोस्ट डाला था और उसका कैप्शन ये था, हम टुपाक इज़ अलाइव एंड वर्किंग। इसके अलावा वो बहुत सारे म्यूज़िक अवार्ड्स, जैसे कि BET अवार्ड्स 2014 में भी स्पॉट हुए थे, और उसके अलावा उन्हें
आउटलॉस के एक म्यूजिक वीडियो में भी देखा गया था, जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस रैपर के पीछे खड़े हैं और उनका फेस बहुत ही डार्क है, बट देखने में ऐसा लगता है कि वो टुपाक है। उसके अलावा उनके मौत के 13 साल बाद उनकी एक न्यू ऑर्लिंस की बार की भी फुटेज वायरल हुई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि टुपाक अपने मौत से पहले 4 एल्बम रिलीज़ किया था और उनके मौत के बाद उनके 7 एल्बम्स आए थे, जो कि ये कहा जाता है कि वो उन गानों से बने हैं जिसको कि टुपाक ने अपने मौत से पहले ही रिकॉर्ड कर रखा था। उनके वो गाने जो उनके मौत के बाद रिलीज होते हैं, उसमें बहुत बार कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जिनको सुन के ये लगता है कि हाँ, टुपाक आज भी ज़िंदा है और वो अपने गाने अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2003 के बेटर डेज एल्बम का आउट्रो का ये लाइन, एक्सपेक्ट मी निगा लाइक यू एक्सपेक्ट जीसस टू कम बैक, आई एम कमिंग। एक और चीज़ ये है कि उनकी मौत के 2 महीना बाद जो उनका एल्बम आया था, द डॉन किलुमिनाटी द 7 डे थ्योरी, इसमें भी लोग मानते हैं कि टुपाक के मौत के झूठे होने के बहुत सारे क्लूज हैं। इस एल्बम में टुपाक का एक सुडोनिम यूज़ हुआ है, मैकेवेली, और वो अपने मौत से कुछ समय पहले से ही अपने आप को मैकेवेली नाम से बुलाते थे। मैकेवेली एक इटालियन फिलोसोफर है जो कि द प्रिंस के ऑथर हैं। उसमें उन्होंने अपने मौत का झूठा नाटक करके अपने दुश्मनों को फूल बनाने की बात की थी। तो कुछ लोग इससे भी इस बात को रिलेट करते हैं कि टुपाक ने खुद की मौत का नाटक किया था। और ऐसा लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टुपाक को ये लगता था कि वो मार दिए जाएंगे गैंग वॉर और वो जो थग लाइफ जीते थे, इन सब कारणों की वजह से, और वो इन सब से बचने के लिए खुद ही अपने मौत का एक झूठा नाटक रच दिया। तो अब सच्चाई क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो चलो अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ इस पूरे टॉपिक पे। तो यार, टुपाक जिंदा है या नहीं, इस टॉपिक को छोड़ के हमें उनके लेगेसी के बारे में बात करना चाहिए। उन्होंने हिप हॉप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए तो ऑब्वियसली वो हमेशा जिंदा रहेंगे, और वो मरे हैं या फिर जिंदा है ये उतना मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि लोग उन्हें पसंद उनके गानों की वजह से करते थे और उनका गाना तो हमेशा ही जिंदा रहेगा। और ये सब जितनी भी डेथ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं, ये बस इसलिए भी हो सकता है कि लोग टुपाक के नाम पे पैसे कमा सकें। उनके मौत से पहले उनके बहुत सारे अनरिलीज्ड गाने थे, तो उन गानों को हिट करने के लिए ये थ्योरीज बनाई गई होगी और ये हाइप क्रिएट किया गया होगा ताकि वो गाने चलें। और ऑब्वियसली उनके मौत के बाद भी जितने भी उनके एल्बम्स आए वो भी मैसिव हिट्स थे। इसके अलावा एक बार स्नूप डॉग के एक इवेंट में टुपाक का होलोग्राम यूज करके उन्हें लाइव स्टेज पे दिखाया गया था। तो अगेन ये दिखाता है कि उनके मरने के बाद भी कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग उनका नाम यूज़ करके पैसे कमा रहे हैं। और ये जो उस रात हॉस्पिटल से न्यू मैक्सिको जाने वाली थ्योरी है, ये भी एक फिल्म की ही थ्योरी है, तो इसे भी हम सच नहीं मान सकते। तो ये जितने बार भी सूग नाइट या फिर बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में टुपाक की फुटेजेस वगैरह है, ये उनसे दिखने वाले किसी सिमिलर पर्सन की हो सकती है, या फिर ये जानबूझ के सर्कुलेट किया गया होगा ताकि टुपाक की हाइप बनी रहे। तो 100% ट्रुथ क्या है ये तो हम भी नहीं कह सकते, पर मेरा ओपिनियन यही था। तो चलो अब लास्ट में बात करते हैं कि ये जो हम शाउट आउट देना स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हमारे ये वीडियो अपलोड होने के विद इन 24 आवर्स आप कमेंट बॉक्स में अपना लिंक कमेंट कर देना और हम उसे चेक करेंगे, और जितने भी लिंक्स आए होंगे फर्स्ट 24 आवर्स में, उनमें से हम कोई एक सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसे शाउट आउट देंगे। तो चलो गाइज, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और इसके अलावा इस चैनल पे टुपाक की पूरी डेथ मिस्ट्री की एक डिटेल्ड वीडियो है, उसे भी चेकआउट करना। और इसके अलावा ओल्ड हनी सिंह और न्यू हनी सिंह के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसके ऊपर भी वीडियो है, इसे भी ज़रूर चेकआउट करना। तब तक के लिए गुड बाय।